हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये एलजी का डबल इन्वर्टर एयर कंडीशन है। इसमें क्या है, हम गैस रिस्टोर करके दिखाएंगे कि गैस आप कंप्रेसर में कैसे बैक कर सकते हैं। तो आपको जो टिप एंड ट्रिक बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसमें कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और गैस कैसे रिस्टोर करते हैं इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, जिससे कि जो मैं इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपको ये करना है, ये जो लोकेट वाला वॉल है इसको आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। इसको जब आप क्लोज कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप हाथ रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हाथ रखेंगे तो आपको फील हो जाएगी यहाँ पे नमी होती है। जब तक नमी रहेगी मुश्किल से आपको 20 से 25 सेकंड तक आपको ऐसे हाथ रखे रहना है, ठीक है। उसके बाद गैस जो होगी वो सेक्शन से सक कर लेगा कंप्रेसर अपनी साइड, ठीक है। फिर उसके बाद जब 25 सेकंड हो जाएंगे उसके बाद आप हल्के हल्के वॉल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक तरीका और भी है कि आप केज लगा के यहाँ से और उसको देख सकते हैं कि वहाँ पे जो गेज होती है उसकी सुई जीरो में जाएगी, जीरो की साइड जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से भी वॉल को क्लोज कर सकते हैं। फिलहाल जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग का ध्यान रखना, आपको 20 से 25 सेकंड तक टाइमिंग रहती है, 20 से 25 या फिर 30 सेकंड बस। इससे ज़्यादा आपको टाइमिंग नहीं लगाना है, वरना इससे आप नुकसान उठा सकते हैं। और आपको क्या करना है, ये वाला जो वॉल है इसको क्लोज कर देना, उसके बाद यहाँ पर हाथ रखना है। जब तक नमी रहेगी तब तक आपको हाथ रखे रहना है। उसके बाद क्या है, जब नमी यहाँ से आपको फील हो जाए कि नमी अब यहाँ से जाने वाली है, उसके बाद आपको क्लोज को, इस वॉल को क्लोज कर देना है अच्छे से। तो आप इस तरीके से गैस को रिस्टोर कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है। तो आप इसी तरीके से इसको, मतलब गैस को रिस्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप रिस्टोर करते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक बंदा आपके साथ हमेशा होता है, तो आप नीचे मतलब कॉल पर रहें और उससे कह दें कि एसी आप बंद कर दें। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप अकेले हैं तो आप क्या करें, प्लास का साथ में लें, या फिर यहाँ से वायर भी निकाल सकते हैं अगर अकेले हैं तब। वरना आप ये करें कि आपका चाहे कस्टमर हो या फिर आपके साथ कोई बंदा है तो उसे कॉल पे रहें और कहें कि इसी बंद करते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप गैस रिस्टोर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको ये करना है, ये लोकेट वाला जो वॉल है इसको क्लोज कर देना है। तो ये वाला जो वॉल है आपको इसको क्लोज कर देना है, अच्छे से टाइट करके इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हाथ रखना है और आपको जो नमी है अभी गैस जो हो रही है यहाँ से सक हो रही है, ठीक है। तो इस वाले वॉल को आप क्लोज करना है हल्के हल्के, मुश्किल से आपको 20 सेकंड लगाना है। तो यहाँ से हमें फील हो रहा है कि यहाँ से जो गैस है वो कंप्रेसर के अंदर जा रही है, ठीक है। हेलो, अब आपको क्या करना है, तो आपको इसी तरीके से इसको बंद कर देना है। तो ये वाला जो हमने सक्शन वाला जो वॉल है उसको क्लोज कर दिया, और इसी तरीके से आप गैस को रिस्टोर कर सकते हैं। तो कभी भी आप गैस रिस्टोर करें तो इसी तरीके से कर लें। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।